शहीद माटी को नमन, वीरंक बलिदान को वंदन, कर्तव्य पथरे अमृत कलश यात्रार समापन। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रतिबद्धतार प्रतीक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक निकटे अमृत वाटिकार शिलान्यास। देशर 6 लक्ष अधिक गाँव अमृत कलशरे माटी संग्रह। देश प्रेमी बलिदान को भूली ना देश, राजधानी कर्तव्य पथरे पहुंची सारा देशर संगृहित अमृत कलश। यहसह 2 वर्ष धरी जारी रही अमृत कलश यात्रार समापन हो। अमृत महोत्सव स्मारक भाव राष्ट्रीय युद्ध स्मारक निकटे अमृत वाटिकार शिलान्यास कर प्रधानमंत्री मोदी। देश बलिदान देखा वीर और शहीद जवान को सम्मानित करने को सारा देशर उपस्थित अमृत कलश यात्री को आह्वान देते प्रधानमंत्री मोदी। अमृत काल में विकसित भारत स्वप्न पूरण पर 5 प्राणर शपथ को मन पक प्रधानमंत्री मोदी। 2022 में देश स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति अवसर में गोटे वर्ष धरी देश पालन कर स्वाधीनतार अमृत महोत्सव। यहापर देश स्वाधीनतार 75 वर्षर 100 वर्ष जाए 25 वर्ष कालखंड को अमृत काल नाम देवासह देश भाग्य परिवर्तन पर संकल्प नेबा को आह्वान देते प्रधानमंत्री मोदी। 2 वर्ष से अधिक चले इस महोत्सव का मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ समापन हो रहा है। आज आजादी का अमृत महोत्सव एक याद के लिए स्मारक का शिलान्यास भी हुआ है। ये स्मारक आने वाली पीढ़ियों को हमेशा इस ऐतिहासिक आयोजन की याद दिलाएगी। बेहतरीन आयोजनों के लिए यहां कुछ राज्यों मंत्रालय और विभागों को पुरस्कार भी दिए गए हैं। मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को भी और उस राज्य के सभी नागरिकों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। वीर शहीद जवान को सम्मान जणाइबा उद्देश्य रे गत अगस्ट 9 तारीख में मो माटी मो देश राष्ट्रीय कार्यक्रम में माटी को नमन वीरंकु वंदन अभियान आरंभ करिथिले प्रधानमंत्री मोदी। देश स्वाधीनतार 75 वर्ष मध्य केवल गांधी परिवार को स्वाधीनतार श्रेय दि जाऊला, किंतु देश बलिदान देखा लक्ष लक्ष वीर संघर्ष और बलिदान कहानी को देशवासी सामना को आई कौनसी पदक्षेप ग्रहण करिनथिले तत्कालीन कांग्रेस सरकार। 2014 रे संख्या गरिष्ठता हासिल सह मोदी सरकार शासन क्षमता को आसीबा परे देश पाई बलिदान दीथिबा देश प्रेमी को उचित सम्मान प्रदर्शन करिथे। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रतिबद्धतार प्रतीक भावे मोदी सरकार देश स्वाधीनतार 75तम वर्षरे आजादी का अमृत महोत्सव पालन करि देश प्रेम भावना उद्रेक करिबारे सफल होइथिले। अमृत महोत्सव अंतर्गत अमृत कलश यात्रा माध्यम रे सारा देशर वीर शहीद जवान गाँव अमृत कलश्रे संगृहित होता माटी। अभियान रे देशर प्राय 6 लक्ष गाँव माटी संग्रह सह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक निकटे अमृत वाटिका स्थापन पर निष्पत्ति नहीं मोदी सरकार। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्टूबर 2023 आज सरदार साहब की जयंती पर यहां पर उसका समापन है, समापन की पल है। जैसी दांडी यात्रा शुरू होने के बाद देशवासी उससे जुड़ते गए, वैसे ही आजादी के अमृत महोत्सव ने जन भागीदारी का ऐसा हजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। आजादी का अमृत महोत्सव अंतिम कार्यक्रम भावे मो माटी मो देश अभियान परिकल्पना करा जाय थिला। भारत स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति पालन अवसर में 2021 मार्च 12 तारीख आजादी का अमृत महोत्सव आरंभ होता।
यहाँ समग्र देश में 2 लाख रु अधिक कार्यक्रम आयोजन करा जाइतला जेउथिरे उत्साहजनक जनभागीदारिता देखिबाकु मिलिथिला। अमृत कलश यात्रा रे समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल प्रतिनिधित्व करुथबा देखिबाकु मिलिछे एवं सहरांचल स्थानीय संस्था माने निज निज कलशर माटी को एक विशाल अमृत कलश रे एक भारत श्रेष्ठ भारत भावना रे कर्तव्य पथ रे पहुंचाई अभियान रे देशर विभिन्न स्थान रे 2.3 लाख रु अधिक शिलाफलक निर्मित होता पाखापाखि 4 कोटी पंच प्राण शपथ सेल्फी अपलोड होता देशव्यापी 2 लाख रु अधिक वीरंकु वंदन कार्यक्रम आयोजन सह 2.36 कोटि रु अधिक स्वदेशी चारा रोपण करा जायतला सारा देश में वसुधा वंदन प्रसंग आधार 2.63 लाख अमृत वाटिका सृष्टि करा जायतला। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव गांव गली गली से कोटि कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए, अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देशर युववर्गों पर मेरा युवा भारत बा MY भारत प्लेटफॉर्म रो शुभारंभ कर मेरा युवा भारत एक स्वयंशासित संस्था भाव कार्य कर मेरा भारत उद्देश्य होची युवक मानंकु राष्ट्र निर्माता हेबाकु प्रेरणा जोगाइबा एवं सेमानंकु सरकार एवं नागरिकों मध्य युव सेतु भाव कार्य करने को सक्षम करिबा एक महाउत्सव को समापन कर रहे हैं तो साथ ही एक नए संकल्प का शुभारंभ भी कर रहे हैं। आज मेरा युवा भारत संगठन यानी माय भारत की नींव रखी गई है। 21वीं सदी में राष्ट्र निर्माण के लिए मेरा युवा भारत संगठन बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। देशर प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती कार्यक्रम में सामिल हुई अमृत काल में देशवासी को पुणी थरे एकतार मंत्र प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देवा सह परिवारवाद और तुष्टिकरण राजनीति उपरे प्रहार करथिले प्रधानमंत्री मोदी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जीवन रो एकमात्र लक्ष्य थिला भारत एकता एवं समृद्धता तांकर दृढ़ इच्छाशक्ति राजनीतिक ज्ञान एवं कठिन परिश्रम सहित से खंड विखंडित भारत को संगठित राष्ट्र करने कार्य करथिले। देश पई सरदार साहेब को उत्सर्गीकृत जीवन एवं देशर प्रथम गृहमंत्री भावे तांकर राष्ट्र निर्माण कार्य सर्वदा आमको प्रेरणा जोगाइबो बोली कहिछंती पीएम मोदी। जेतेबेले देश स्वाधीनतार शतवार्षिक पालन करिबो सेतेबेले भारत पूर्ण विश्वगुरु भावे परिचय लाभ करिबारे सफल हेले लौह मानवंक त्यागर प्रकृत मूल्य मिलिपारिबो बोली कहिछंती प्रधानमंत्री मोदी। एकता बनाए रखने का प्रयास एक पल भी छोड़ना नहीं है, एक कदम भी पीछे रहना नहीं है। हमें निरंतर एकता के मंत्रों को जीना है। एकता को साकार करने के लिए हमें अपना निरंतर योगदान देना है। हम जिस भी क्षेत्र में हो हमें उसमें अपना 100% देना है। आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देने का केवल यह उत्तम से उत्तम मार्ग है।
जातीय एकता दिवस अवसर में केवाड़िया एकता नगरी जवान वीरत्व प्रदर्शन देखा मिली। मो माटी मो देश अभियान में देश सर्वोच्च बलिदान देखा वीर एवं वीरंगना श्रद्धाजलि दि जाए। एपरी अभियान देशवासी मन में देश प्रेम बन्ही प्रज्वलित करिबारे समर्थ हो पारी। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।